बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। फ्राम 10th क्लास फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 18, अटोमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 18.1। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का 18 चैप्टर का, दी हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 16 इज 7.3 सेकेंड्स। हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त किसी भी चैप्टर से रिलेट अगर कर रहे हैं बेटा, तो हमने डेटा अगर हमें उसकी नरेशन से बनाना आ गया है, स्टेटमेंट से बनाना आ गया है, तो उसको सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मुश्किल काम, पहला काम यही है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उससे डेटा सर्च करना है, ढूंढना है कि क्या कुछ दिया गया है और क्या कुछ हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड्स, यानी कि हाफ लाइफ दे दी गई नाइट्रोजन के इस आइसोटोप की कितनी है, 7.3 सेकेंड। जो दे दिया गया है उसको साथ साथ लिखते जाएंगे, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन, ये सिंबल है हाफ लाइफ का, T 1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 7.3 सेकेंड्स। वो फर्स्ट लाइन हमने उसका डाटा बना दिया। सेकेंड लाइन, अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियॉइड, इस न्यूक्लियॉइड का सैंपल यानी नाइट्रोजन का ये जो हमें उसने आइसोटोप दिया है इज ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड्स। उसकी हाफ लाइफ तो है 7.3 सेकेंड, यानी हर 7 सेकेंड गुजरने के बाद उसके एटम्स की तादाद आधी रह जाएगी। अब ओरिजिनल सैंपल नहीं बताया, वो एक्स वाई जी वो कुछ भी है, वो 100 ग्राम्स है, 200 ग्राम्स है, 300 ग्राम्स है, वो नहीं बताया हमने। अब अंदाजन उसको बताना है कि कितनी जो क्वांटिटी है नाइट्रोजन के इस सैंपल की वो बाकी रहेगी। ऑब्जर्व्ड टाइम कितना दिया बेटा, 29.2 सेकेंड। 7.3 इसकी हाफ लाइफ थी, अटेंटिव रहिएगा, हाफ लाइफ थी, जबकि कितनी देर तक उसे ऑब्जर्व करना है, 29.2 सेकेंड्स। ये आपको टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम, मुशाहदाती टाइम आपको बता दिया कितना आपने देर ऑब्जर्व करना है, 29.2 सेकेंड्स। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, इस टाइम के गुजरने के बाद 29.2 सेकेंड्स गुजरने के बाद इस जो ये न्यूक्लियॉइड दिया गया था, ये जो सैंपल था ओरिजिनल, उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी बचेगी ये बताना है। तो टोटल ऑब्जर्व टाइम आपके पास आ गया, इतना हाफ लाइफ थी ये, तो आप पहले निकालेंगे नंबर, हाफ लाइफ है पीरियड के, कितने पीरियड्स गुजरने हैं, कितने दौरानियाँ गुजरने हैं। तो हमने पहले निकाल ली है हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ की तादाद। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ रिप्रेजेंट होता है स्मॉलर एन से, ऊपर लिखते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम, जितना उसने कुल वक्त दिया आप लोगों को टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय आपके पास जितनी उसकी हाफ लाइफ है 7.3। इनको डिवाइड करेंगे बेटा कैलकुलेटर से, नियर अबाउट 4 जो है वो आपका आंसर आएगा। अब इसके साथ आपने यूनिट नहीं लिखना, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर भी टाइम है, देखा जाए तो ऊपर भी सेकंड है, नीचे भी सेकंड है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर ये रूल पढ़ा है हमने, ये असूल है कि अगर कोई रेशियो, कोई बटा सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान हो, कि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ऊपर भी हमारे पास सेकंड है टाइम है, नीचे भी सेकंड है टाइम है, ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो उस क्वांटिटी का हमारे पास यूनिट नहीं होता, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर जो ये 4 आया, ये 4 हाफ लाइफ्स की तादाद है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये गिनती है, यानी 4 पीरियड्स गुजारने हैं इतने टाइम अगर हमने उसको ऑब्जर्व करना है। तो अब रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर
29.2 सेकंड्स हमने फाइंड आउट करनी है। एन कैपिटल आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया निशान है कि ये आपने फाइंड आउट करना है। बेटा डाटा क्लियर हुआ होगा कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी गई, टोटल ऑब्जर्व टाइम दिया गया, उसकी हमने हाफ लाइफ खुद निकाली, चार बनेगी, और रिमेनिंग क्वांटिटी वो कहता है इतनी देर बाद कितनी बाकी बचेगी। ये फार्मूला है हमारे पास, एन रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू एन ओ, यानी क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी, एन नंबर बता रहा है वो, तादाद बता रहा है, ओ से मुराद ओरिजिनल, मल्टीप्लाइड वन ओवर टू की पावर टी, ये टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्ट भी इसको आप हल कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ये मेथड मैंने इनडायरेक्ट किया है, यहाँ डायरेक्ट किया, दोनों तरीके आपको समझाने के लिए। अब रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ गुजारनी है, पहली हाफ लाइफ के बाद यहाँ इस फार्मूले में एक लिखेंगे, दो की पावर एक हो तो दो ही आता है, यानी एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ओरिजिनल सैंपल का कितना बाकी बचेगा, आधा, वन बाई टू रिमेनिंग क्वांटिटी। आपने ये पूरी बातें लिखनी है, मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसीलिए मैंने ये एजन लगा दिया, एजन नहीं लगाना होता एग्जाम्स में, ये आप लोगों को बताने का। रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, यहाँ फर्स्ट थी बेटा, यहाँ पर सेकेंड हाफ लाइफ, एन ओ यानी ओरिजिनल सैंपल का ओरिजिनल नंबर है, मल्टीप्लाइड वन ओवर टू टी लिखना था, टी लिखना था, अब कौन सी हाफ लाइफ है, सेकंड है, टी की कीमत दो है तो हमने दो दर्ज की, दो की पावर टू की पावर टू है तो वो फोर बन जाएगा, तो ओरिजिनल सैंपल का कितना बाकी बचेगा सेकंड हाफ लाइफ पे बेटा, वन बाई फोर्थ। इसी तरह जब थर्ड, हमने चार तक जाना है क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ बेटा फोर हैं, थर्ड हाफ लाइफ पे आएंगे टू की पावर थ्री, यानी टू को थ्री टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, टू टू आर फोर, फोर टू आर एट, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वन बाई एट टाइम जो है वो उसकी क्वांटिटी ओरिजिनल का सैंपल का डिवाइड हो जाएगी। फोर्थ हमारे पास हाफ लाइफ अगर गुजरेगी उसके बाद कितनी होगी, टी की जगह हमने चार दर्ज कर दिया इसी फार्मूले में, तो कितना आ जाएगा, वन बाई सिक्सटीन, तो ये जो है हमारे पास वन बाई सिक्सटीन, एक बटा सोलह जो है ओरिजिनल सैंपल का बाकी बचेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी होगी। तो रिजल्ट भी आप लोगों ने बेटा लिखना है कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन सैंपल आफ्टर 29.2 सेकंड्स, ये टोटल ऑब्जर्व टाइम था, इसके गुजरने के बाद 1/16 था ऑफ ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल का कितना बाकी बचेगा, एक बटा सोलह गुना उसका काम हो गया, हिस्सा बाकी बचा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था बेटा, उसमें हाफ लाइफ भी दी गई थी, ऑब्जर्व टाइम भी था, और रिमेनिंग क्वांटिटी भी हमने, ये रिजल्ट भी लिख दिया। सेम इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है 18.2 कोबाल्ट 60। अब ये 60 कुछ स्टूडेंट्स इसको मेजरमेंट समझ लेते हैं, क्वांटिटी जो है कंसीडर कर लेते हैं, ये क्वांटिटी नहीं है, ये कोबाल्ट का वो आइसोटोप है जिसका अटोमिक मैस 60 लिया जाता है। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, यानी कि जो जो आपको दिया गया है मैंने कहा डाटा निकालते जाएं, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट, हाफ लाइफ का सैंबल है टी, 1/2, 5.25 ईयर्स, यानी कि 5.25 साल कोबाल्ट की हाफ लाइफ है, वो हमने अलग डाटा की सूरत में निकाल ली। व्हाट फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स, अब हाफ लाइफ तो ये है, हाफ लाइफ वो दौरानिया होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम्स की आधी तादाद बाकी बचे। अब उसने यहाँ तक एक हाफ लाइफ तक ऑब्जर्व नहीं करना, उसने क्वेश्चन वाले ने आपको कहा है कि आपने कितने साल तक देखना है उसको, 26 ईयर्स तक हमने ऑब्जर्व करना है, उसके बाद 26 साल गुजरने के बाद कोबाल्ट की कितनी मकदार बाकी बचेगी, ये उसे आंसर करना है हमने। तो टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम आपको कितना दिया बेटा, टी से डिनोट कराते हैं 26 ईयर्स, ये डाटा में है। अब पहले हम इसकी हाफ लाइफ्स के पीरियड्स निकालें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स गुजरने हैं 26 साल तक। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स एन, ये टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट, 5 को 26 तक लेकर जाना है, 25 नियर अबाउट 5 नंबर ऑफ पीरियड्स। फिर वही कहूँगा कि ऊपर भी ईयर्स था, नीचे भी ईयर्स था,
दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। ये तादाद है हाफ लाइफ्स की। अब रिमेनिंग क्वांटिटी हमने बतानी है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास? रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 1/2t। ये टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करेगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ हमने पहले की अलग निकाली, दूसरे की अलग निकाली, तीसरे की अलग, समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा? ओरिजिनल सैंपल है मल्टीप्लाइड 1/2 की पावर, बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी निकली हैं? 5 निकली हैं, तो हमने 5 पुट कर दिया। अब 2 को 5 मर्तबा ज़रब देना है आपस में, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। 32n is equal to NO original sample multiplied by 1/32th times remaining quantity बचेगी उसकी original sample की। तो इसका result क्या आ जाएगा? Remaining quantity of cobalt after 26 years will be 1/32th times of original sample। उसका 1/32वां हिस्सा जो है original का वो बाकी बचेगा 26 साल के बाद, अगर उसकी 5.25 साल जो है वो हाफ लाइफ हो, ईयर्स में हाफ लाइफ हो, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। बेटा ये 2 आपके न्यूमेरिकल्स, आज पहले 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए हैं, इन्हें भी याद कीजिएगा, ये भी आपकी टर्म में शामिल होंगे। इश्यू बेस्ट ऑफ लक।